भागलपुर के कहलगांव स्थित बटेश्वर पंप नहर योजना की मशीनें फांक रही धूल। करोड़ों की योजना का उद्घाटन होने के बाद भी किसानों को फायदा नहीं। एक तरफ बिहार सरकार दुर्गम क्षेत्रों में भी गंगा जल पहुंचा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भागलपुर के कहलगांव की बटेश्वर पंप नहर योजना 45 वर्ष बीत जाने के बाद भी शुरू नहीं हो सकी। इसके लिए 1997 में ही नींव रखी गई थी। बाकायदा फरवरी 2018 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन भी किया, लेकिन 8.80 इस योजना का लाभ किसान नहीं उठा सके। 2016 में जल संसाधन मंत्रालय के सलाहकार समिति ने 828.80 करोड़ रुपए पुनरीक्षित लागत में मंजूरी दी। इसमें बिहार सरकार को लगभग 637 करोड़ व झारखंड सरकार को 191.85 करोड़ खर्च के लिए मिला। इससे बिहार के 22,716 व झारखंड के 4,887 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी, लेकिन इसकी शुरुआत को लेकर सिर्फ बातें हुई, किसान इससे लाभान्वित ना हो सके। पंप हाउस के मोटर्स मशीनों पर धूल जम चुकी है। विभाग के स्तर से भी समीक्षा हुई है। पिछले बार भी जब वरीय पदाधिकारी गण का निरीक्षण हुआ था, उसमें भी इंजीनियर्स को निरीक्षण दिया गया था, इंजीनियर्स को डायरेक्शन दिया गया था, तो पुनः इसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन जो मेरी जानकारी है उसमें वो लोग प्रयास कर रहे हैं, और इसको जो है प्रयास यही रहेगा कि जल्दी, चूँकि टेक्निकल काम है और विभाग के इसमें इंजीनियर्स लगे हुए हैं, तो उनसे अपडेट लेकर के ही फिर हम आपको ब्रीफ कर पाएंगे।